अजीज़ तलबा और तालबात आज हम मोमिन खां मोमिन के बारे में गुफग करेंगे मोमिन क्लासिकी शायरों में एक अहम मकाम रखते हैं उनकी शाराना अजमत की बात करने से पहले उनकी शख्सियत पर आइए एक नज़र डालें मोमिन खां मोमिन अट्ठारह सौ ईस्वी में पैदा हुए और अट्ठारह सौ इक्यावन ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ दिल्ली के मोहल्ला कूचा चेलान में उनकी पैदाइश हुई उनके वालिद का नाम ग़ुलाम नबी ख़ान था जो एक माने जाने हकीम थे मोमिन की पैदाइश हुई तो उस जमाने की मशहूर मजहबी शख्सियत मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ उनके घर तशरीफ़ लाए और उन्होंने ही मोमिन का नाम रखा शाह साहब का मोमिन के वालिद से दोस्ताना ताल्लुक़ था दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे मोमिन ने इब्तदाई तालीम बिशा अब्दुल अजीज़ ही से हासिल की और इसके बाद तिब की तालीम हासिल की मोमिन को बचपन ही से रियाजी इलम शतरंज और मौसीकी से ख़ास दिलचस्पी थी लेकिन बुनियादी तौर पर वह शायर थे जिन्हें आज उन्नीसवीं सदी के अहम गज़ल को शहरा में शुमार किया जाता है मोमिन बड़े खुददार और तबीयत के मालिक थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपनी शराइत पर बसर की किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया न किसी अमीर वजीर का कभी कसीदा लिखा जैसा कि उस ज़माने का दस्तूर था मिर्ज़ा फ़राहतुल्ला बेग मोमिन के इंतकाल के बहुत बाद पैदा हुए लेकिन उन्होंने मोमिन का ऐसा दिलचस्प खाका लिखा कि पढ़ने वाले को आज ये धोखा हो जाता है कि फ़रहतुल्ला बेग ने मोमिन को देखा ज़रूर होगा मोमिन की शख्सियत शक्ल सूरत होलिया और लिबास का बड़ी उम्दगी से जिक्र किया है लिखते हैं मोमिन कशीदा कामत थे सुर्ख व सफ़ेद रंग था जिसमें सब्जी झलकती थी बड़ी बड़ी रोशन आँखें लंबी लंबी पलकें खिंची हुई भवें लंबी सतवा नाक पतले पतले होंठ उन पर पान का लाखा हल्की हल्की मोछें खसखाशी दाढ़ी भरे भरे बाजू पतली कमर चौड़ा सीना लंबी लंबी उंगलियां, सर पर घुंगे बाल बदन पर मलमल मल का अंगरखा, गले में सियाह रंग का रुपट्टा पाजामा हमेशा रेशमी और कीमती होता था वो पल्ली टोपी अंदर से मांग गरज़ की नहायत खुश पोशाक और जामा जेब शख्स थे उस जमाने में मुशारों का बड़ा चलन था दिल्ली के शोरा इसमें शिरकत के लिए हमेशा तैयार रहते थे मशारे बड़े अहतमाम और सलीके से होते थे मोमिन भी पाबंदी से इन मुशाों में शरीक होते थे फरहतुल्ला बेग ने दिल्ली के किसी मुशारे में मोमिन को पढ़ते हुए भी दिखाया है लिखते हैं जब शमा मोमिन खां मोमिन के सामने पहुंची, उस वक्त लोगों का जोश कम हुआ और उस जमाने के उस्ताद का क़लाम सुनने के लिए सब हमतन हमतनगोश हो गए उन्होंने शमा को उठाकर आगे रखा और जर संभल कर बैठे बालों में उंगलियों से कंघा किया टोपी को कुछ तिरछा किया आस्तिनों की चुन्नट को साफ़ किया और दिलपजीर तरन्नुम से गजल पढ़ी जब गजल ख़त्म हुई तो तमाम शोरा ने तारीफ़ की सुनकर वह मुस्कुराए और सबका शुक्रिया अदा किया मोमिन को बड़ों छोटों का बड़ा ख़्याल रहता था वह सबकी इज़्ज़त करते थे और हुसन सलूक से पेश आते थे कभी ख़ुद को किसी से कमतर नहीं समझा उन्हें अपनी ख़ानदानी अजमत रियासत और इमारत का भी बहुत एहसास रहता था बड़े बड़ों को ख़ातिर में नहीं लाते थे उनके घर पर उनसे मिलने जुलने वालों का हमेशा हजूम रहता था लेकिन उन्हें अपनी शोहरत की तमन्ना हरगिज हरग्र थी तबीयत में बड़ी बे थी घूमना फिरना उनको पसंद था वो एक मजहबी वतन दोस्त वतन परस्त और पुख्ता सियासी शा के मालिक थे मोमिन की शायरी खुश गज़लों और मसनू में जिस जज्ब इश्क का इजहार हुआ है वो ख़याली कम हक़ीक़ी ज़्यादा है उनके बारे में कहा जाता है कि वो काफ़ी आशिक मिजाज थे इब्तदा में ही रवायती तालीम की तरफ तोज् करने के बजाय वो कूच इश्क के मुसाफिर बन गए मतद्द इश्क ये कामयाब भी और नाकाम भी लेकिन उन्होंने कभी अपने इश्क पर पर्दा डालना पसंद नहीं किया उनके वालदेन को भी मालूम था कि वो इश्क अश्की के चक्कर में पड़ चुके हैं लेकिन यह ऐसा नशा था कि उससे नजात पाना छुटकारा हासिल कर पाना उनके लिए मुमकिन न था अपनी इस आदत की वजह से उनको नुकसान भी हुआ समाज में रसवाइयाँ भी हुईं, लेकिन सब कुछ बर्दाश्त करते रहे उन्होंने शादी बल्कि शादियाँ भी कं और घर भी बसाया जिंदगी के आखिरी हिस्से में मज़हब की तरफ रगबत हो गई इश्क़ की तर करके इबादत में दिल लगाया और एक सच्चे और मुखलिस इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारी रहे थे कि एक रोज़ अपने मकान की छत से फिसल कर गिर पड़े और उनकी मौत हो गई मोमिन की पैदाइश के वक्त शाह आलम सानी मुग़ल हुक्मरान थे जो सियासी ताकत से महरूम थे मराठा सरदारों के रहम करम पर ज़िंदगी गुजार रहे थे किले की चार दीवारी के अंदर क़ैद बेबस लाचार थे मोमिन अभी बहुत छोटे थे कि शाह सानी का भी इंतकाल हो गया बहादुर शाह जफर का दौर आया लेकिन अंग्रेज़ों की साजिशों और ऐशा दवानियों ने उन्हें कभी सुकून से बैठने न दिया और कबल इसके कि वो मोमिन बहादुर शाह जफर की दरबदरी और रसवाई देखते उनका अठारह सौ इक्यावन में खात्मा हो गया इन हालात से मोमिन बहुत मलूल थे वो अंग्रेज़ों से ख़ुद तो जहाद न कर सके लेकिन अपने मसनू के ज़रिए लोगों को विदेशी साम्राज्य से जंग करने और उनका ख़ात्मा करने का मंसूबा ज़रूर बनाया उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि आने वाला ज़माना सियासी एतबार से बहुत ख़तरनाक और हुआ भी यही कि अट्ठारह में अंग्रेज़ अपनी फित सामानी में पूरी तरह कामयाब हो गए और उन्होंने पूरे मुल्क की सियासी और तहजीबी ज़िंदगी को खाक में मिला दिया सियासी एतबार से गर्चे ये ज़माना बेहद नासाजगार था मुगल हुकूमत बहुत तेज़ी के साथ रू ब जवाल थी टूट फूट रही थी समाज में बेहद बदनज़मी लाकानूनीत बेरोज़गारी और गुर्बत थी इसके बावजूद भी यह ज़माना इस लिहाज से बड़ी अहमियत रखता है कि इसमें चंद बड़ी बड़ी हस्तियाँ थीं जिनके कारनामों की गूंज या उनकी बदौलत दुनिया की तारीख उन्हें कभी भुला नहीं सकती मसलन मजहबी शख्सियतों में शाह अब्दुल अजीज, शाह रफीउद्दीन शाह अब्दुल कादिर, शाह अब्दुल ग़नी शाह मोहम्मद इसहाक़ मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा सैयद अहमद शहीद मौलवी शाह इस्माइल और मौलाना फ़जलह खैराबादी वगैरह मा फ़जला शहरा और मशाइ की भी बड़ी तादाद थी जो इस जमाने में मौजूद थी जो किसी दूसरे ज़माने में देखने को कमी मिलती है मौसन शाह अब्दुल ग़नी शाह मोहम्मद आफाक हकीम अहसनुल्ला खां हकीम मोहम्मद नजफ़ ख़ँ हकीम सादी ख़ँ हकीम ग़ुलाम हैदर ख़ शाह नसीर गालिब ज़फ़र शेफ्ता साहबाई वगैरह मोमिन खां मोमिन खुश नसीब थे कि इतने बड़े बड़े बाकमाल और फलो कमाल के दरमियान वो अपने फ़न का मुजाहरा करते रहे और ख़ुद उनका नाम भी उन्हें बाकमालों की फहरस्त में शामिल हो गया खुद मिर्जा गालिब जो आम तौर पर कभी किसी को ख़ातिर में नहीं लाते थे मोमिन की इनफरादियत और हुनरमंदी के बड़े कायल थे उनकी तारीफ करते थे उनका कलाम पसंद करते थे उनके इंतकाल पर उन्होंने मरसी एक कुछ अशार भी कहे थे मोमिन ख़ा मोमिन ने यूँ तो ज़माने के चलन के मुताबिक कसीदे और मसनूियाँ भी लिखी हैं मसनू में खुद उन्हीं का किरदार नज़र आता है जो किसी हसीन परी रुख के इश्क में मुबतला है और मानी ज़िंदगी की उन कैफियात को नित उनवान से बयान कर रहा है कसायद बादशाह अमीर या वज़ीर के शान में लिखने के बजाय उन्होंने बुज़ुर्गों और साहब कराम की शान में लिखे जिनसे उनकी इनफरादियत का अंदाज़ा किया जा सकता है अलबत् व न अपने कसायद और मसनियों के सब मशहूर हैं उनकी शहरत का दरअसल दार मदार उनकी गजल गोई पर है एक खसूसियत जो उन्हें अपने अहद के दीगर शुरा से मुमताज़ करती है वो ये है कि वो मरवजा तस्व से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते थे वो सही मानों में इश्क और रूमान के शायर थे जिनका इश्क न खयाली होकर हकीकी और मादी है क्योंकि वो ख़ुद आशिक मिजाज थे कई खुतिन से इश्क किया था शादियाँ भी की थीं, इसलिए इश्क की कैफियात का उन्हें जाती तौर पर तजर्बा था जिसका उन्होंने अपनी शायरी में बड़े सलीके करीने और मौसर तरीके से इजहार किया है उनकी गजलें उनके दिली जज्बात और अहसास का आईना है जिनसे उनकी ज़ाती ज़िंदगी फिक्र और इंसानी रिश्तों के ताल्लुक से उनकी गहरी दर्दमंदी सोज और तपिश का अंदाज़ा लगाया जा सकता है जिंदगी के इजमाही पहलुओं का बयान इशारों में करते हैं तफसील से गुरेज करते हैं वजाहत से भी काम कम ही लेते हैं ताहम इशारे इतने साफ़ होते हैं कि शेर के अंदर की मानवीयत और गहराई तक पहुँचना दुशवार नहीं रहता उन्हें अपने इर्द गिर्द की ज़िंदगी का भी शदीद एहसास था वन हालात से बेहद मुतासर और मकमूम थे जिनसे उसद के लोग दो चार थे इस बयान में जो दर्द और कलख है उसको पढ़ने से कारी बहुत मुतासर होता है उनकी गजलों में ज़ात और कायनात दोनों गमों का अक्स मिलता है ज़माने का गम अपनी अदमतों के ख़त्म हो जाने का सदमा बेकसी बेबसी और लाचारी काम और इन मसायब से निकलने की ख्वाहिश इनकलाब की तमन्ना कुछ करने की आर्जू वगैरह से उनकी गजलों का खमीर तैयार हुआ है इस लिहाज़ से अगर ये कहा जाए कि मोमिन सचमुच बहुत दुखी इंसान हैं और ज़माने के हाथों अपने हम मतनों की ज़िल्लत तो ख़ारी देखते देखते बहुत तंग आ चुके हैं और नहीं जानते कि इन हालात से कैसे निजात हासिल की जाए तो इश्क़ मोहब्बत की वादी और आगोश महबूब में थोड़ी देर सुकून लेना ज़रूरी समझते हैं उनका इश्क उनके दिल में पैदाशुदा ज़ख्मों को मंदमिल कर देता है उन अशार को पढ़ने से हम पर भी मोहब्बत और उसकी मिठास जिसमें कुछ दर्द भी है दिल पर गहरा असर डालती है उर्दू के अहम नक़ाद कलीमुद्दीन अहमद ने मोमिन के कलाम पर तबसरा करते हुए लिखा है कि उसूब के लिहाज से मोमिन की गज़लों में वो नाहमारी नहीं जो गालिब के कलाम में नज़र आती है अशार मुख्तलिफ पाए के ज़रूर हैं बुलंद मामूली पस्त लेकिन तर्ज अदा में वो नुमायाँ फ़र्क नहीं जिसका गालिब के सिलसिले में जिक्र हुआ है मोमिन तुकबंदी के ऐब से वाकिफ थे इसलिए अपनी बेहतरीन दिमागी सलाहितों से काम लेते थे उनके अशार सिर्फ हमारे जज्बा ही को नहीं भड़काते, बल्कि हमें गौरव फिक्र की दावत भी देते हैं मोमिन के सीधे सादे शेरों में भी दावत फ़िक्र मौजूद है मोमिन साहिब उसलूब शायर हैं जिसका अंदाज़ा उनके इन अशार से भी होता है जिन्हें सहल मुमतना कहा जाता है यानी किसी शायराना ख़याल को इससे ज़्यादा सादगी के साथ ना बयान किया जा सके ये मोमिन ही का कमाल है कि उनके यहाँ दोनों असालिब हैं सिर्फ़ सादा और रवा ही नहीं मुश्किल और पेचीदा भी ये बात भी काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि मोमिन की गज़लें अपने मज़ामीन समेत चूँकि सवान ही अंदाज़ की हैं इसलिए उनमें फ़िक्र की वो गहराई नहीं है जो गालिब का इम्तियाज़ है शायरी में भी शायर को अपनी शख्सियत से न सिर्फ दूर बल्कि ला तल्लु होना चाहिए बल्कि नफ़ी कर देनी चाहिए तब बड़ी शायरी वजूद में आती है यही वजह है कि मोमिन चूँकि खुद अपने ही इश्क या तजर्बा का कर जिक्र करते हैं और अपनी जास के हिसार से बाहर निकलना उनके लिए मुमकिन नहीं होता इसलिए उसमें गहराई कम है तहम बात से बात निकालने की तरफ उनका जो रुझान है उनके इश्क या तजरबा भी ज्यादा तरीबात तक ही महदूद हैं जिनसे एक नम्र इंसान लुफ्फ ले सकता है लदत हासिल कर सकता है लेकिन संजीदा फ़िक्र रखने वाले तजरबेकार इंसान के लिए इसमें जहनी लुफ्फ लजत का कुछ ज़्यादा इमकान या सामान नहीं है दूसरी मुश्किल यह है कि मोमिन ने अपनी गजलों में इश्क के मासेवा जिंदगी के किसी मामले से बहुत कम सरोकार रखा है जिंदगी के बारे में सोचने पर वो मायल ज़रूर होते हैं लेकिन बहुत जल्द हिम्मत जवाब दे जाती है और हर गम को मोहब्बत के जाम शराब में ढाल कर हो जाते हैं इसमें कोई शक नहीं कि उनका गोश्त पोष का महबूब उनकी रगों में खून की गर्मी बढ़ाता रहता है और रस्मी और रवायती इश्क से आदाद रह कर, हकीकी और जिनसी इश्क से पूरी तरहंदोज़ होते रहते हैं मोमिन की गज़ल को रंग और रस से भी मसूम किया गया है वो कश्मीरी नस्ल के खूबरू इंसान और वजी व दिलकश शख्सियत के मालिक थे उनकी जामज़ेबी ख़ूबसूरत आवाज़ ने भी उनकी गज़लों में बड़ी दिलकशी पैदा की है उनकी गज़लों पर उनकी शख्सियत की परछाइयाँ साफ नज़र आती हैं वो कहते हैं वो लब शीरी के मजामी हैं न क्यों लफ्ज़ से लफ्ज़ मेरे शेर का चस्पाँ होगा इस शेर से मोमिन के मखसूस शेरी उसलूब पर बड़ी वाज रोशनी पड़ती है यानी अच्छा शेर वही होता है कि उसमें लाया गया हर लफ्ज़ एक दूसरे से गहरे तौर पर मरबूत होता है और पेवस्त रहता है जिसकी मिसाल पहले मिसरे में मौजूद है यानी बोसा करते वक्त जिस तरह आश वशूक़ के होंठ एक दूसरे में पेवस्त हो जाते हैं मोमिन के अशार में हर लफ्ज़ दूसरे लफ्ज से प्यवस्थ है ये शेर शायर के जमालियाती की बेहतरीन मिसाल है मोमिन के फ़नकाराना इम्तियाज़ के सिलसिले में यह शेर भी देखें उस लब लाल की हिकायत है क्योंकि रंगीन हो कलाम मेरा कहा जाता है कि मोमिन की गज़लों में बड़ी रंगीनी और हसन है जो दिल को अपनी तरफ खाँचती है शायर इसका सबब बताता है कि यह रंगीनी इसलिए है कि उसमें महबूब के नरम सुर्ख होंटों की सबाहत का जिक्र किया गया है जिसके असर से कलाम भी रंगीन हो गया है जैसा कि कहा गया कि मोमिन का इश्क वाज तौर पर ज़मीनी और मादी है उनका महबूब इसी दुनिया आबोगिल का पैकर है ये एक हिस्सी सेंसुअस शायरी है जिसकी मिसालें लखनवी शोरा के कलाम में ज़्यादा मिलती हैं फ़र्क़ यह है कि मोमिन के यहाँ यानीत और फवाहाशी नहीं हैत के जरिए वह अपने इश्क रसुआ करना पसंद नहीं करते जिसे मामला बंदी और अदा बंदी कहते हैं मोमिन के यहाँ भी है लेकिन उनका अंदाज़ दूसरों से जुदा है फहाशी से उन्हें कोई सरोकार नहीं है कला में मोमिन की जिन खसूसियात का तस्करा किया जा चुका है उनके सबूत में मोमिन के बाद ऐसे अशार देखे जा सकते हैं जो सहल मुमतना के जैल में आते हैं और ज़बान बयान की अहम खसूसियात का भी बेहतरीन नमूना है मसलन ये शेर कुश्ता हूँ उसके चश्मे फसूँ घर का काए मसीह करना समझ के दावे एजाज़ देखना यहाँ मोमिन ने जिस फ़नकारी का मुजाहरा किया है उसे मकर शाहराना भी कहते हैं लेकिन कितने लतीफ़ पैराए में ईसा मसीह के दावे एजाज़ को चैलेंज करते हैं हजरत ईसा और मोमिन के महबूब में एक खबूसियत है कि दोनों मुआजा करते हैं फ़र्क़ सिर्फ यह है कि महबूब अपने चश्मे फसू गर्ज से आशिक को शहीद कर देता है और हजरत ईसा मुर्दों को ज़िंदा कर देने की ताकत रखते हैं अलबतः शायर को शक है कि उसके महबूब की खूबसूरत आँखों के जादू से कत्ल होने के बाद ज़िंदगी की किसे ख्वाहिश हो सकती है यानी उसे तो हदरत ईसा भी जिंदा करना चाहें तो नहीं कर सकते मोमिन का ये शेयर भी देखें दिल काबिल मोहब्बत जाना नहीं रहा वो वलवला व जोश व तूफ़ान नहीं रहा यह दूसरे मिसरे में शायर तीन बातों का जिक्र कर रहा है वलवला जोश और तूफ़ान और जिन चीज़ों से इश्क का हंगामा इबारत है वो यही खसूसियात हैं जब ये चीज़ें ही ना हों तो इश्क का तसूर मुमकिन नहीं हो सकता मोमिन को अफसोस है कि शायद बुढ़ापे या हालात की ख़राबी के सब उनका दिल मोहब्बत जाना के काबिल नहीं रहा है एक दूसरे खूबसूरत शेर में मोमिन की एक नई कैफियत का बयान करते हैं मर गए उसके लबे जहाँ बख्श पर हमने इलाज आप ही अपना किया इस शेर में शुरू का लफ्ज़ मर गए बेहद मानी खेज़ है महबूब के होंठों का बोसा लेने की आरजू में शायर ने जान दे दी यहाँ बात यह है कि उसके होठों में ही ज़िंदगी बख्शने की सलाहियत है तो जाहिर है कि होंठों की आरजू में शायर का मरना नहीं उसकी ज़िंदगी है इसीलिए दूसरे मिसरे में वो कहता है कि मैं जिस तकलीफ़ में मुबतला था उसका इलाज मैंने ख़ुद ढूंढ लिया रहम फलक और मेरे हाल पर तूने ने करम ए सितमारा किया यहाँ शायर आसमान से मखातिब है जिसके सितम से अक्सर परेशान भी रहता है उसे यकीन नहीं आता कि आसमान उस पर रहम करेगा उसकी आरज़ू पूरी हो सकेगी इसलिए तंजन दूसरे मिसरे में कहता है कि सितमारा यानी सितम, सितम ढाने वाला करम करने वाला कैसे बन गया बहरहाल उसका वह शुक्रगुज़ार है कि उसको शायर की हालत पर तरस आ गया सच ही सही आपका पैमावाले मर्ग ने कब वाद फरदा किया बड़ा दिलचस्प ख्याल है आमतौर पर वाद महबूब सच नहीं होता और मोमिन को भी यकीन नहीं है लेकिन महबूब को झूठा कैसे कहें इसलिए कहते हैं कि वादा सच हो सकता है लेकिन उसके इंतज़ार में मौत को तो नहीं टाला जा सकता इसलिए कि मौत ने बाद में आने का कोई वादा नहीं किया है इस सूरत में जाहिर है कि महबूब का वादा आशिक की ज़िंदगी में पूरा हो जाए इसका कोई इम्कान नहीं है किया उसने कत्ले जहाँ एक नज़र में किसी ने किसी का तमाशा न देखा इस रवायती ख्याल को बयान किया गया है कि महबूब या महबूबा जिस पर भी नज़र डालती हो मर जाता है मोमिन जिस दिलदार के आशिक हैं उसकी शफाकी सबसे बढ़कर है उसकी निगाह गलत अंदाज़ से उसका कोई भी चाहने वाला न बच सका और उन पर ऐसा असर हुआ कि सब के सब एक ही वक्त में ख़त्म हो गए अब जब कोई बचा ही नहीं तो कौन किसका तमाशा देखता अब कोई किसी का हाल बयान करने वाला नहीं रहा है इससे मोमिन एक क़दीम रवायत के ज़रिए अपने महबूब या महबूबा के ग़ैरमूली हसन का ज़िक्र करना चाहते हैं जिस पर नज़र पड़ते ही लोगों के होश उड़ जाते हैं लोग मर जाते हैं रदीफ़ होता की गज़ल के तमाम शेर बहुत मतरनम बहर में हैं उनसे मोमिन की बड़ी शहरत है और उनके शारना मिजाज को समझने में आसानी होती है असर उसको ज़रा नहीं होता रंज राहत फ़िज़ा नहीं होता इस सादा से शेर में मोमिन अपने महबूब की बेमुरवती का जिक्र करते हैं दूसरे मिसरे में जो ख्याल पेश करते हैं वो तोज्जो तलब है यानी महबूब अपने आशिक को रनजो तकलीफ देता है क्या उसे मालूम नहीं है कि रंज से राहत नहीं मिलती लेकिन वो जानबूझकर ऐसा करते हैं उन पर मेरी फरियाद का कोई असर नहीं होता रवायती महबूब की यही तस्वीर है जो हमारी शायरी में आम तौर पर मिलती है तुम हमारे किसी तरह न हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता मोमिन का बहुत खूबसूरत और मशहूर शेर है इसमें कैसी आजजी है महबूब से शिकायत भी किस से की जा रही है कि दुनिया में सब कुछ होता है और हो सकता है लेकिन ये एक अटल हकीक़त है और ये कभी नहीं हो सकता कि शायर का महबूब उसकी तरफ मुलतफित हो जाए अगर हो भी जाए तो फिर महबूब का रस्मी तस्वूर ही बदल जाएगा तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता इस सादा मगर बेहद पुरकार और ख़ूबसूरत शेर को सुनकर मोमिन की शारा नाजमत को कौन नहीं तस्लीम करेगा यहाँ शायर एक अहम हकीकत की तरफ इशारा कर रहा है कि जब वो दुनिया और उसके कारोबार में मुनहमक हो जाता है घिर जाता है तो अक्सर महबूब के ख्याल से गाफिल हो जाता है लेकिन जब तन्हा होता है और जहन हर ख्याल से आज़ाद होता है तो यकीन सिर्फ़ एक ही ख्याल होता है जिससे ज़िंदगी का सरोकार रहता है और वो महबूब का ख़्याल होता है इससे महबूब की अहमियत और फजीलत का अंदाज़ा किया जा सकता है चार दिल सब्र नहीं सो तुम्हारे सिवा नहीं होता यहाँ सब्र की मानोीत गौर तलब है यानी किसी चीज़ को खो जाने पर इंसान को सब्र की तलकिन की जाती है इस लिहाज से सब्र गम को बर्दाश्त करने में इंसान की बड़ी मदद करता है सब्र न होता तो इंसान दुखों से ख़त्म ही हो जाता लेकिन शायर अपने महबूब के मामले में इस सहारे से भी कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता उसकी जुदाई का गम इतना शदीद है कि सब्र उसकी कसक को कम करने की सलाहियत से कासिर है क्यों सुने अर्ज़ मुशतर मोमिन सनम आखिर खुदा नहीं होता यहाँ अभी मकर शायराना खूब है अपने तखलस मोमिन सनम और ख़ुदा के तजाद से शायर ने खूबसूरत फ़ज़ा बनाई है यहाँ भी रवायती मजमून को मोमिन अपने अंदाज से बयान करते हैं यानी मुशरब और बेचैन दिल की फरियाद तो सिर्फ खुदा खुदा ही सुनता है महबूब जिसे शायर सनम बुद्ध कहता है वो खुदा नहीं हो सकता नुक़ँ ये है कि सनम की भी पूजा होती है उसे खुदा समझा जाता है लेकिन यहाँ मामला मुख्तलफ है महबूब पत्थर की तरह है बेहिस और जालिम है अपने आशिक के दुख को समझने के बावजूद भी उस पर तरस नहीं खाता ठानी थी दिल में अब न मिलेंगे किसी से हम पर क्या करें कि हो गए नाचार जी से हम इस शेर का मफहूम वाज है शायर ने अपने महबूब की मुसलसल बेवफाई और बेतवजह से तंग आकर यह फैसला कर लिया था कि वह उससे रस्म वरा तर्क कर देगा लेकिन वो क्या करे उसके दिल ने उसे फिर मजबूर कर दिया और इस बेरहम से मिलना उसके लिए ज़रूरी हो गया आँखों से हया टपके है अंदाज तो देखो है बलहसों पर भी सितम नास तो देखो यहाँ शायर महबूब की शख्सियत का एक दूसरा रुख पेश करता है यानी उसकी आँखों से हया टपकती पड़ती है उसका अंदाज़ किस क़दर जानलेवा है बस देखने के काबिल है अफसोस तो यह है कि जो लोग हवस परस्त हैं सच्ची मोहब्बत से सरोकार नहीं रखते उनको भी सितम का निशाना बनाया जा रहा है जबकि सितम उन पर किया जाता है जिनसे कोई ताल्लुक़ खातिर होता है अहल हवस जो मोहब्बत के मफहम से भी वाकिफ नहीं हैं वो सितम के भी मुस्तक नहीं हो सकते लेकिन हर जाए महबूब को कौन बताए कौन समझाए कि सच्चे आशिक और झूठे प्रस्तारों में क्या फ़र्क़ है उस गैरत नाहिद की हर तान है दीपक शोला सा लपक जाए है आवाज़ तो देखो इस शेर से मोमिन की मौसीकी की इस से वाकफियत का पता चलता है दीपक एक राग का नाम है जो शाम के वक्त गाया जाता है जब दीपक जल उठते हैं और रोशनी फैल जाती है गैरत नाहिद भी बहुत खूबसूरत तरकीब है नाहद एक मशहूर सितारा है जिसका ताल्लुक़ हसन मोहब्बत से भी समझा जाता है मोमिन को सितारों के इल्म नजूम से दिलचस्पी थी जो इस शेर से भी वाज़ है यहाँ शायर ना से भी ज़्यादा खूबसूरत अपने दिलदार की महबूब की आवाज़ के जादू का जिक्र कर रहा है जिसकी आवाज़ के शोले से दीपक जल उठते हैं अंधेरा ख़त्म हो जाता है हर तरफ रोशनी फैल जाती है वो जो हम तुम में करार था तुम्हें याद हो कि न याद हो वही यानी वादा निभा का तुम्हें याद हो कि न याद हो यह शेर भी मोमिन की मशहूर गज़ल से माखूज है जिसकी बहर में मौसीक़ी है और मानी के लिहाज से भी उनके इश्वाशकी के मामलों पर काफ़ी रोशनी पड़ती है इस शेर का मफूम वाज है महबूब की आदत है कि उसे वादा कभी याद नहीं रहता भूल जाना उसकी फ़ितरत है लेकिन शायर को उससे मोहब्बत है इसलिए वो उसके इस रवैये को पसंद नहीं करता और वो उसे भूली हुई मोहब्बत को याद करने की दरख्वास्त करता है इसलिए कि वो उसकी मोहब्बत के बग़ैर ज़िंदगी का कोई तस्वूर तक नहीं कर सकता वो नए गिले वो शिकायतें वो मज़े मज़े की हिकायतें वो हर एक बात पर उठना तुम्हें याद हो कि न याद हो यहाँ वो अपने और महबूब के दरमियान मोहब्बत के ज़माने में होने वाले नहायत खूबसूरत वाक़ात को याद दिलाना चाहता है जो उसे कभी नहीं भूलते यानी महबूबा की मोहब्बत भरी बातें शिकायतें दिलचस्प बातें उसका बेसब उठना और तंग करना शायर कैसे भुला सकता है कि उन्हीं से उसकी ज़िंदगी इबारत है अजीज़ तलबा वालबात आज की गुफ्तु यहीं ख़त्म होती है आइंदा अगली किसी मौजू पर दोबारा मिलेंगे शुक्रिया